जब मैंने मंदसौर का चार्ज लिया था और जब पहली बार मैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आया था, तब मैंने परिसर में इस घंटे को देखा था और घंटे की साइज़ को देख के मुझे लगा कि ये ऐसी प्रदर्शित करने की चीज़ है, ये घंटा कभी बजेगा नहीं। और जब ये भगवान सहस्त्रेश्वर महादेव का काम पूरा हो रहा था, तब घंटा समिति के लोगों ने आग्रह किया था कि घंटा कहीं हमको लगाना है, तो भी मुझे घंटे की साइज़, घंटे का वजन, इसके आकार को देखते हुए मुझे इसको लगाना बहुत ख़तरनाक लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन नारू भाई से एक दिन बातचीत हुई, पता चला कि घंटे को मंदिर तक लाने में भी जो ट्रॉली बनी थी वो आप ही ने बनाई थी। फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं 15 दिन में लगा दूंगा, आप मुझे जो है जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करा दो। तो हमने अपने इंजीनियर्स को कहा कि नारू भाई जैसा बोले वैसा करना है, और आज आप देखोगे कि इतना खूबसूरत घंटा, मुझे खुद भी अनुमान नहीं था कि इतना खूबसूरत लगेगा। और आज जो डेमो में आवाज़ आई, मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छी आवाज़ है, रात को कभी गूंजेगा तो मेरे भी लगता है पूरे शहर को सुनाई देगा इसकी धमक जो है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी घटना है, बहुत खूबसूरत घंटा है, और इसके आसपास हम लैंडस्केपिंग करके और इसको और स्थान को और खूबसूरत बनाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिरों में, मैहर में भी देखा है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में घंटे का भी पूजन होता है, तो ये भी एक धार्मिक स्थल ही आप मान लो। घंटा पूजन स्थल अगर आप मैहर जाओगे तो सबसे पहले आप वहाँ श्रद्धालु घंटे का पूजन करते हैं, उसके बाद माता के दर्शन करते हैं। तो एक तरह से ये घंटा स्थल हो गया हमारा, जिसको हम लैंडस्केपिंग करके और सुंदर बनाएंगे, तो श्रद्धालुओं के लिए भी कौतूहल का विषय होगा और वो इसकी वजह से भी हमारे परिसर में ज़रूर आएंगे। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर मंदसौर में जब हमारी संस्था द्वारा यहाँ पर पहली बार हम लोग मंदिर आए, तो उस समय इत्तेफाक की बात थी कि यहाँ जो एक छोटी घंटी लगी हुई थी उस दिन वहाँ पर दिखी नहीं, तो पूछा गया तो मालूम चला कि यहाँ पर उसकी कड़ी टूट गई है, तो रिपेयरिंग के लिए गया है। तो वहाँ से भगवान पशुपतिनाथ ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि यहाँ पे कुछ हटके करें, जितनी बड़ी मूर्ति है इतना ही बड़ा यहाँ पे महाघंटा भी अपन बनाएं। उसके बाद हम लोग एक पूरी इसकी व्यू रचना की कि कैसे इसको इकट्ठा किया जाएगा। तो जैसा कि पीतल और तांबे के बर्तन अब घर में उपयोग नहीं आते हैं, तो हमारी संस्थाओं ने प्रत्येक रविवार को घर घर जाके पीतल तांबे इकट्ठा किया और करीब 37 क्विंटल का यहाँ महाघंटा हम लोगों ने उन बर्तनों को पिघला के बनाया है। आज और लगाया गया है और आज ये हमारे साथी हैं नारू भाई, जो कि इंजीनियरिंग का काम करते हैं, और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ पे अपलोड किया है, जो कि सबको एक चिंता का विषय था कि इतना वजन वाला कैसे इसको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। लेकिन आपने मात्र 5 से 7 दिन में पूरा इसका फाउंडेशन तैयार करके और इसको आज यहाँ पर स्थापित कर दिया है। देखिए देखिए, सपना हुआ साकार, संकल्प हुआ पूरा। श्री कृष्ण कामधेनु संस्थान ने जिस प्रकार से 150 से अधिक गांव में घर घर दस्तक दे करके और मंदसौर शहर में भी अनेक बस्तियों में जा करके जिस प्रकार से एक दान मांगा था, वे जो अनुपयोगी घरों में पड़ा हुआ तांबा और पीतल है उसको महाघंटे के लिए दे, और जब 16 क्विंटल वजन का सबसे बड़ा देश का
रतनगढ़ देवी दतिया के पास में जब वहाँ पर एक इस प्रकार से शुभारंभ भी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे, माननीय नरोत्तम जी गृह मंत्री जी भी गए थे, तो इनको प्रेरणा संस्थाओं को वहीं से मिली। तो इन्होंने संकल्प किया था तब ये करीब 21 क्विंटल वजन का इन्होंने संकल्प लिया था, लेकिन देखते ही देखते 37 क्विंटल वजनी बना है। और कलेक्टर साहब ने और हमने इस स्थान का चयन यहाँ पर पिछले 2-3 महीने पहले किया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये अहमदाबाद से जब बन करके आया तो यहाँ के जो नेहरू भाई हैं, हालांकि मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है, उन्होंने पहले भी यहाँ पर जनरेटर दान दिया था पुष्पा मंदिर में, और इस मंदिर के महाघंटे में की स्थापना में जिस प्रकार से पेडेस्टल बनता है, तो कलेक्टर साहब ने और मैंने आकर के उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया आज हमने डेमो किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत जल्दी इस परिसर में लाने वाले हैं और उन्हीं के हाथों से महाघंटे का इसका शुभारंभ कराएंगे, क्योंकि 37 क्विंटल वजन का तांबे का और पीतल का, इससे बड़ा देश में कोई बड़ा महाघंटा नहीं है जिसका सौभाग्य पुष्पदात मंदिर परिसर में हमको प्राप्त हुआ है।